सऊदी अरब में अगर आप हैं और किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस का चेक करना चाहते हैं कि कितना पैसा उसका लगता है ड्राइविंग लाइसेंस का, चाहे वो कंपनी का हो, ट्रक ड्राइवर हो, टैक्सी हो, चाहे प्राइवेट ड्राइवर हो, जो भी एकामा है उसके पास लाइसेंस है उसका, आप आराम से घर बैठे चेक कर सकते हैं कितना लाइसेंस का फ़ीस लगता है, 5 साल 10 साल 2 साल का। तो देखिए मेरे पास बैंक अल जजीरा का एप्लीकेशन है और यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट सर्विस, देख सकते हैं। अगर आपके पास NCB, अल राजी या फिर और भी कोई सा भी बैंक है तो इस तरीके से गवर्नमेंट सर्विस शो होता होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस पे जाएंगे और गवर्नमेंट पेमेंट जो लिखा हुआ है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैफिक वायलेशन, अगर आपका ऊपर कोई गाड़ी का मुकलपा है, आपके काम पे कोई फ़ाइन है, आपका एकामा का डेट कब ख़त्म होने वाला है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी का भी एकामा नंबर डालेंगे तो आपको बता देगा इसका एकामा का इतना पैसा लगता है, 6 साल 2 साल 5 साल का। तो मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का चेक करके आपको बताता हूँ। तो देखिए ड्राइविंग लाइसेंस में मैं क्लिक कर दिया हूँ। अब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का डेट बढ़ाना है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म हो चुका है तो डेट बढ़ाना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सारा ऑप्शन। तीसरा नंबर में है रिन्यूअल लाइसेंस, रिप्लेस लाइसेंस, इशू लाइसेंस, इशू लाइसेंस फ्रॉम वर्ल्ड। तो नया लाइसेंस बनाने का भी चेक कर सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम कितना लगता है। उसके बाद रिन्यूअल का मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, तो हम रिन्यूअल पे क्लिक कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ चुका है एक, अब यहाँ पे जो लाइसेंस है आपके पास उसका डेट बढ़ाना है, वो लाइसेंस का नंबर यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि एकामा नंबर, तो हम ये एकामा नंबर यहाँ पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइसेंस टाइप, आपका लाइसेंस कौन सा है, मोटरसाइकिल का है या फिर टेम्परेरी प्राइवेट का है या पब्लिक टैक्सी का है, स्मॉल कैरेज का है, मीडियम ट्रक का है, हैवी ट्रक का है, हैवी इक्विपमेंट व्हीकल है, तो जो भी आपका एकामा है वो आप देख लीजिएगा आपके एकामा पे क्या लिखा है, हैवी लिखा है या फिर प्राइवेट लिखा है। तो हमारा देखिए शाय खास का है, प्राइवेट छोटा गाड़ी का है, तो अगर आपका टैक्सी चलाते हैं तो टैक्सी वाला होगा, तो प्राइवेट है तो प्राइवेट पर हम क्लिक कर दिए हैं। और यहाँ पर देखिए लाइसेंस ड्यूरेशन, आप कितने साल का रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, 10 साल 5 साल 2 साल 1 साल, तो मैं आपको यहाँ पे 10 साल का करके दिखाता हूँ कि कितना 10 साल का लगता है और 5 साल का कितना लगता है। तो चलिए मैं पहले 10 साल पे क्लिक करता हूँ। अगर आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे तो 10 साल के लिए आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा सऊदी अरब का, आपको 10 साल तक कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए मैं इंक्वायरी पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे हमें कमाए इंक्वायरी पर क्लिक किए हैं तो देखिए ये यहाँ पे एकामा पे हम क्लिक नहीं किए थे, हम एकामा पे क्लिक कर देते हैं। और मेरे पास एक चीज़ और छूट गया है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं एकामा नंबर, ये मेरा एकामा नंबर जो है मैं डाला हूँ, तो और ये देखिए आपके पास पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट से भी लाइसेंस का डेट बढ़ा सकते हैं, बिजनेस आईडी से भी बढ़ा सकते हैं। अब हम इंक्वायरी पर क्लिक करते हैं, तो इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आ चुका है कि ये चेक नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या कारण है हम देख लेते हैं एक बार। और तो हम क्या करेंगे, हमारा एकामा जो है वो सही नहीं है, मतलब कि ये लाइसेंस में ये एकामा पे लाइसेंस बना नहीं है अभी तक। मेरे पास जो लाइसेंस नंबर है, एकामा नंबर है, वो मैं डाल दिया हूँ फिर से 2468 40 वाला। अब हम इंक्वायरी पर क्लिक कर दिए हैं, देखिए घूम रहा है। अब घूमने के बाद हमारे पास आ जाएगा कि 10 साल के लिए मैं रिन्यूअल करवाना चाहता हूँ एक लाइसेंस। तो जैसे कि आपका ट्रक का हो, कोई सा भी हो, आप एकामा नंबर यहाँ पे डालेंगे, लाइसेंस नंबर, वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। तो देखिए 10 साल का जो है 400 रियाल बता रहा है, 10 साल का 400 रियाल ऑटोमेटिक आ चुका है। देखिए मेरा एकामा नंबर शो हो रहा है, और या मेरा मैं अगर इंक्वायरी किया हूँ, देखिए 10 साल ड्यूरेशन बता रहा है 10 साल, और यहाँ पर मेरा लाइसेंस पे जो एकामा नंबर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसको गवर्नमेंट को जैसे कि पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम प्रोसेस पे करेंगे, फिर से एक और ऑप्शन आ जाएगा, देखिए लिखा हुआ है हमारा अकाउंट नंबर, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, अब यहाँ पर सर्विस लिखा है रिन्यूअल लाइसेंस, इसके बाद हमारा एकामा नंबर शो हो रहा है, और प्राइवेट और 10 साल के लिए 400 रियाल कट जाएगा। हम कंफर्म जैसे ही करते हैं तो हमारे अकाउंट से जो है पैसा कट जाएगा। ये देखिए OTP कोड आ चुका है 9577।
लेकिन यहाँ पे देखिए मैसेज आ चुका है कि आपके अकाउंट में जो है बैलेंस नहीं है, इसके कारण जो है आपके अकाउंट से जो है पैसा नहीं कटेगा। सही बात है, मेरे अकाउंट में आप देख ही लिए हैं कि 8 रियाल है, देख सकते हैं। और मुझे 10 साल के लिए लाइसेंस बढ़ाना भी नहीं है क्योंकि मेरा लाइसेंस अभी वैलिड है। अगर आपका लाइसेंस का डेट ख़त्म हो चुका है तो इस तरीके से डेट को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर।